नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शेफ अनीश और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज बनाएंगे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर महाराष्ट्रियन डिश जिसका नाम है कोंबड़ी वड़े। तो ये बेसिकली टू इन वन वीडियो है दोस्तों, जिसमें आप देखेंगे चिकन करी भी कैसे बनाते हैं और वड़े भी कैसे बनाते हैं। तो चलो वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कैसे बनाते हैं कोंबड़ी वड़े। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल बटन जो है नोटिफिकेशन का वो जरूर दबाइए, तो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको आते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बनाते हैं चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए पेस्ट बनाएंगे जिसमें डालेंगे पुदीना, हरी मिर्च, धनिया, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड करेंगे और एक फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। ये बन गई हमारी पेस्ट। अभी चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैंने करी कट चिकन लिया है, उसमें डालेंगे नमक। ये मालवणी मसाला है, मिक्स मसाला। आपके पास कोई भी मिक्स मसाला अवेलेबल रहेगा तो आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर डालेंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी और गरम मसाला। ये मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे पेस्ट जो हम लोग ने धनिया, पुदीना, अदरक और लहसुन की पेस्ट की है। फिर चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके कम से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे। करी बनाने के लिए ऑयल को गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसमें ड्राई मसाला डालेंगे, जैसे दालचीनी, लवंग, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, बेलीफ यानी के तेज पत्ता। हल्का सा उसको गर्म कर लेंगे। फिर डालेंगे उसमें जीरा। आधे मिनट तक मसालों को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज और प्याज को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। प्याज को चलाते रहिए। फिर हम लोग एक बर्तन में पीछे पानी बॉईल करने को रख देंगे। फिर प्याज में डालेंगे हल्दी और प्याज को अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक वो अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता। अब आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से ब्राउन हुआ है। अब उसमें डालेंगे चिकन जो हम लोग ने मैरिनेट किया हुआ था। ये चिकन को अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। और फिर पैन के ऊपर ढक्कन रखेंगे और थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे और फिर से 2 से 3 मिनट तक चिकन को कुक कर लेंगे। बीच बीच में उसको चलाते रहना मत भूलिएगा। जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाते हैं हम लोग उसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और चिकन को फिर से चलाते रहेंगे। अच्छे से उसको भूनना है। सब साइड से मिक्स कर लीजिए। फिर डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। पूरा पानी एक साथ मत डालिए, थोड़ा सा पानी डाल के चिकन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सौते कर लीजिए अच्छे से। अब जाएगा बचा हुआ गर्म पानी। गरम पानी जैसे ही डालते हैं थोड़ा सा नमक डाल देंगे। चिकन को अच्छा स्टर देके कम से कम 15 से 20 मिनट तक अब कुक करेंगे। तो दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन ऑलमोस्ट कुक हो गया है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी और टेस्ट इन्हांस करने के लिए हम लोग डालेंगे एक मसाला पेस्ट जिसे मराठी लैंग्वेज में वाटण भी कहते हैं। तो ये मसाला पेस्ट की रेसिपी वीडियो के एंड में मैंने दी हुई है, उसे ज़रूर चेक कीजिए। ये जो पेस्ट है इसको आप फ्रीज कर सकते हैं और आप जब भी कोई भी
चिकन मटन या इवन वेजिटेबल की डिश बना रहे उसमें आप यूज कर सकते हैं। इससे कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक होती है ग्रेवी की और फ्लेवर भी काफ़ी इन्हांस होता है। ये हर एक महाराष्ट्रीयन घरों में आपको ज़रूर मिलेगी। इसे मराठी में वाटप भी कहा जाता है। थोड़ी सी पेस्ट और डालेंगे और उसके बाद डालेंगे बहुत सारा धनिया। धनिया डाल के जब भी ग्रेवी कुक करते हैं तभी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है कोई भी ग्रेवी को। अब एक बार मिक्स कर लेंगे और चिकन करी को 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे। दोस्तों ये बन गई हमारी चिकन करी। एक बार अच्छे से स्टर करेंगे और टेस्ट करेंगे ग्रेवी को। थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ग्रेवी एडजस्ट कर लेंगे। चिकन ऑलमोस्ट पक गया है। आप देख सकते हैं कि वो जो मीट है वो छूटता है जमी बोन से। मैं हमेशा कहता हूँ जैसे ये देखिए ये ऊपर वाले बोन से जब मीट छूटता है। ये चिकन लेग सबसे बड़ा पीस था तो इसका मतलब चिकन आपका कुक हो गया है और ये ग्रेवी थिक भी हो गई है। तो ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है ये ग्रेवी के लिए। अब आप ये चिकन करी सर्व कर सकते हैं ब्रेड के साथ, नान, चपाती, रोटी, किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। हम लोग अब देखते हैं वड़े कैसे बनाते हैं, महाराष्ट्रियन स्टाइल के वड़े। तो दोस्तों ये वड़े बनाने के लिए जो फ्लावर लगता है वो कोई भी लोकल ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है। मैंने जहाँ से खरीदा है उसका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आपको घर पे बनाना है ये फ्लावर तो मैंने रेसिपी भी लिखी हुई है, वीडियो के एंड में आप उसको ज़रूर देखिए। मैंने करीबन 1.5 कप फ्लावर लिया है। इसका बस डो बनाना है, फ्लावर, पानी और सॉल्ट, ये तीनों का बस डो बनाना है। ये गया 1.5 कप फ्लावर, फिर गया नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। ये पानी वार्म रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, एक साथ पूरा पानी मत डालिए और इसको अच्छे से 10 से 12 मिनट तक नीड कीजिए और एक अच्छा डो बना लीजिए। ये बन गया हमारा डो। इसमें करीबन 1 कप तक वार्म वाटर गया हुआ है और ये डो कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। तो दोस्तों जैसे आधा घंटा हो जाता है तेल को गर्म करेंगे मीडियम हीट पे और आपका जो रोलिंग बोर्ड है या आपका कोई भी टेबल टॉप है उस पर एक प्लास्टिक की थैली लगाएंगे या आपकी दूध की जो थैली रहती है वो लगाएंगे और छोटा सा डो का पीस लेके उसको रोल करेंगे। वो जो प्लास्टिक की थैली है उसको थोड़ा सा पानी लगा के ऐसे हाथों से उसको प्रेस करना है ये डो के बॉल को, या आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट ऑथेंटिकली नॉर्मली ऐसे ही हो जाता है। ये साइज आपके ऊपर डिपेंड है और बीच में थोड़ा सा होल करके देखो इस प्रकार से उसको निकालना है। इस प्रकार से उसको प्लास्टिक से निकाल के आप देख सकते हैं ऐसे निकाल के ऑयल में डालना है। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम से हाई हीट है। अब ये वड़े को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में उसके ऊपर ऑयल डालते रहिए। इससे क्या होगा ना दोस्तों अच्छे से फूक जाएगा वड़ा। 1.5-2 मिनट तक एक साइड से फ्राई कीजिए। आप एक से ज्यादा भी वड़े इसमें डाल सकते हैं, आपकी कढ़ाई के साइज के ऊपर डिपेंड है। अब बारी आती है वड़े को टर्न करने की। दूसरी साइड से भी अच्छे से उसको फ्राई कर लीजिए और आपके वड़े रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बन गया मेरा क्रिस्पी वड़ा। परफेक्ट ये कलर है, इससे ज़्यादा कलर मत लाइए। आप जब भी फ्राई करेंगे तभी ये वड़ा रेडी हो गया। आप विदाउट होल का वड़ा भी बना सकते हैं, जैसे पूरी जैसे बनता है। ये देखिए आपके ऊपर है आपको कौन से टाइप का वड़ा बनाना है, विद होल या विदाउट होल।
ये टोटली आपके ऊपर है। तो दोस्तों ये बन गए हमारे वड़े। ये कोमड़ी वड़े बहुत ही फेमस डिश है महाराष्ट्र की, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं चिकन ग्रेवी की, परफेक्ट है। इससे ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये बन गए हमारे कोमड़ी वड़े। ये रेसिपी आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। फीडबैक देना मत भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको और कौन सी डिश की वीडियो मैं बना के दिखाऊं। मैं ज़रूर वो ट्राई करूंगा डिश बनाने की। अब देखते हैं ये मसाला पेस्ट कैसे बनाते हैं, जिसको महाराष्ट्र में वाटप भी कहा जाता है महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में। तो पैन गरम करेंगे, पैन में डालेंगे ऑयल, जैसे ही ऑयल गरम होता है उसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, हल्का सा सौते करेंगे और उसमें डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनना है, गोल्डन ब्राउन कलर तक। फिर डालेंगे उसमें फ्रेश कोकोनट, फ्रेशली ग्रेट किया हुआ नारियल। फिर डालेंगे ड्राइड कोकोनट जो भी ग्रेट किया हुआ है, और अच्छे से भून लेंगे ये सब मिक्सचर को जब तक ये लाइट गोल्डन कलर नहीं बन जाता है, गोल्डन ब्राउन तक इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना लेंगे दोस्तों। ये पेस्ट आप फ्रीजर में रख सकते हैं और आपको जब भी यूज करनी है तभी आप ये यूज कर सकते हैं। ये बन गई हमारी मसाला पेस्ट। वड़े का बैटर बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स को इंडिविजुअली ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर उसको पीसेंगे, लेकिन बहुत फाइन नहीं पीसना है, थोड़ा सा कोर्स पीसना है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप आपका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।